वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज जो कि इससे पहले हो सकता है आपने कभी ना देखी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सफर की अपने पहले गैजेट के साथ। नंबर 11, मार्च 11th एक्सोस्केलेटन। इंसानों की तरह चलना वैसे तो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि इसे कॉपी करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस रोबोट को देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे चलते हुए दिखाई देगा जैसे एक ह्यूमन मूवमेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सोस्केलेटन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको दो रोबोटिक लेग्स देखने को मिलती है और इनका मूवमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे कि इंसानों का होता है। इसे खास तौर पर इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है ह्यूमन वॉकिंग स्टाइल से, जिससे कि इसके चलने का तरीका काफी हद तक इंसानों जैसा होता है। इस रोबोट को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पैर नहीं होते, क्योंकि इसकी मदद से वो आसानी से अपना मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके यूजर्स यहीं तक सीमित नहीं रह जाते, ये रोबोट किसी भी सरफेस पर मूवमेंट कर सकता है और ये आसानी से सीढ़ियों पर भी चल सकेगा। इस रोबोट को अलग अलग तरीके के काफी सारे कामों में लिया जा सकता है और हमारी आर्म फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल कर सकती है किसी पर नजर रखने के लिए, या फिर ऐसी जगह पर इसे भेजा जा सकता है जहां पर इंसानों का जाना काफी ज्यादा रिस्क वाला होता है, वहां पर ये एक्सोस्केलेटन रोबोट आसानी से पहुंचकर अपना काम कर सकेगा। नंबर 10, फार्म बोट जेनेसिस। दोस्तों, जब बात ऐसी फार्मिंग की हो जहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी पेड़ पौधे को ग्रो कराया जाए, तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी से छोटी चीज का, यानी कि जहां पर भी आपने पौधा लगाया है वहां पर छोटा मोटा और भी किसी भी तरीके की खरपतवार नहीं होनी चाहिए, या फिर इसी तरीके की चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खरपतवार को हटाने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसी जगह पर काफी बड़ा एरिया होता है जहां पर आपको ये काम करना होता है, और अगर आप इस काम को हाथ से करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन ये एक तरीके का रोटेटरी टूल होता है जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके के काफी सारे कामों में कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक ट्रिमर अटैचमेंट मिल जाता है जिसमें की शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से आसानी से छोटे छोटे पेड़ पौधों को काट पीट के हटाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप ड्रिलिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि बीज बोने से पहले अगर आप जमीन में हल्का सा होल करना चाहते हैं तो ये काम भी इससे आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे अटैचमेंट्स भी मिल जाएंगे और ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, मिड सेल्स वियरेबल असिस्टिव रोबोटिक्स। अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि देखने में आपको काफी इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, साथ ही उसके यूजर्स भी ऐसे रहते हैं कि आप भी यकीनन उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उंगलियां नहीं होती हैं, या फिर किसी चीज को ग्रिप करने में उन्हें काफी दिक्कत होती है, तो उनके लिए खास तौर पर इस तरीके के वियरेबल गैजेट को बनाया गया है जो कि एक तरीके की इलास्टिक ग्रिप होती है, लेकिन इस ग्रिप को खास बनाया जाता है इसमें भरने वाली हवा से। जी हां दोस्तों, जब भी आप इससे किसी चीज को पकड़ने चलेंगे तो ये काफी तेजी से फूल जाती है, जिससे कि आपको बेहतरीन ग्रिप तो मिलती ही है और साथ ही इसे इस्तेमाल करने का भी एक अपना अलग मजा रहेगा। इस गैजेट को अलग अलग तरीकों से अलग अलग डिजाइन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे किसी चीज को ग्रिप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेहतर रहेगा ही रहेगा, साथ ही इसे मशीन्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि चीजों को होल्ड करना आसान हो जाता है। ये गैजेट भी ओपन सोर्स देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसकी सेंसिटिविटी को प्रोग्राम कर सकते हैं और इसका फैब्रिकेशन पाइपलाइन काफी हद तक कस्टमाइजेबल होती है, जिससे कि आप अलग अलग मशीन्स के लिए या फिर अपने हाथों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गैजेट भले ही देखने में छोटा सा नजर आ रहा हो, लेकिन वाकई काफी काम का होता है। नंबर 8, स्नेक रोबोट। दोस्तों, अब बात आती है एक ऐसे रोबोटिक गैजेट की जिसका डिजाइन खास तौर पर एक स्नेक से इंस्पायर्ड होता है। जी हां दोस्तों, दूर से देखने में भी ये आपको ब्लैक कलर में एक स्नेक जैसा ही लगेगा, जिसका मूवमेंट भी ठीक वैसा ही रहता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि किसी भी सरफेस पर आसानी से चल लेता है, क्योंकि नॉर्मल अगर किसी भी रोबोट की बात करी जाए तो उन्हें प्लेन सरफेस पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात जब एक ऐसे रफ सरफेस की हो जहां पर कोई जगह ही ना हो तो वहां पर किसी भी रोबोट का चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये स्नेक रोबोट वहां पर भी मूवमेंट कर पाएगा। इसे अलग अलग जगह पर यूज किया जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, या फिर अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स का इस्तेमाल करके इसमें कैमरा वगैरह भी लगाया जा सकता है, जिससे कि इसका इस्तेमाल निगरानी वगैरह के लिए भी किया जा सकेगा। तो इस तरीके का गैजेट अपने आप में काफी यूनिक होता है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, ड्रीम ग्लास। दोस्तों, अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं तो आपको इन ग्लासेस को एक बार जरूर से देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूर से देखने में तो ये आपको नॉर्मल सनग्लासेस जैसे नजर आते हैं, लेकिन दरअसल ये एक तरीके के AR बेस्ड ग्लासेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी बेस्ड ये ग्लासेस खास तौर पर गेमिंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कि आप प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग हाई क्वालिटी में कर पाएंगे। ये ग्लासेस 5G से भी लेस होते हैं, जिससे कि आप इसमें हाई स्पीड गेमिंग के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग भी कर सकते हैं, जो कि इसमें एक मजेदार बात रहेगी। अगर आप चाहें तो इसे आप अपने मोबाइल फोन
या फिर टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और गेमिंग कंट्रोलर की मदद से आप इसमें अलग अलग तरीके के काफी सारे गेम्स एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपका मन इसमें मूवीज वगैरह या फिर किसी क्लिप को एंजॉय करने का है तो वो काम भी इसमें आसानी से हो जाएगा। इन ग्लासेस को एक सीक्रेट गेमिंग रूम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहेगा कि आप एक वर्चुअल दुनिया में गेम का मजा ले रहे हैं। बस उन्हें तो लगेगा कि आप नॉर्मल ग्लासेस पहन के बैठे हुए हैं। तो ये ग्लासेस अपने आप में वाकई एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना है, जो कि हो सकता है इससे पहले आपने ना देखी हो। नंबर 6, HP साइट प्रिंट। जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा होता है तो पहले उस जगह की साइट का लेआउट करना पड़ता है, जिससे कि मैप पर सबसे पहले उस जगह को परखा जा सके, जिसके बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस काम में बहुत ज्यादा समय लगता है और कहीं न कहीं मैन पावर का तो इस्तेमाल होता ही है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस तरीके के रोबोटिक गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कि केवल एक सिंगल ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है और कुछ ही समय में आप किसी भी जगह के लेआउट को तैयार कर सकते हैं बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से। ये पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्मेट आपको दिखा देता है आपकी डिस्प्ले पर, जिसे कि आप फर्दर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है, जिसे कि साइट को अच्छी तरीके से जांचा परखा जा सकता है। तो ये गैजेट हो सकता है इससे पहले आपने कभी ना देखा हो, लेकिन अगर आप भी HP के फैन हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को अपने पर्सनल यूज के लिए। नंबर 5, वियरबो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट होता है जिसमें कि अलग अलग अटैचमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इससे अपनी लॉन की मॉबिंग करना चाहते हैं, यानी कि घास को थोड़ा सा ट्रिम करना चाहते हैं, तो उसके लिए गैजेट काफी बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने ग्राउंड की साफ सफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ब्लोअर की तरह भी काम करता है, जिससे कि कूड़ा करकट वगैरह को आप हवा की मदद से एक तरफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो आप इसके स्नो क्लीनिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से बर्फ को एक किनारे कर सकते हैं। तो ये गैजेट अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो पाएगा, जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि इसे आपको मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, बस आप एक बार अपने मोबाइल फोन से कमांड दे देते हैं, जिसके बाद ये अपना काम आसानी से कर सकता है। तो अपने आप में एक तरीके का ये मल्टीपर्पज गैजेट है, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कई तरीके से कर पाएंगे। नंबर 4, ATV बॉक्स ब्लेड। फार्मिंग के दौरान एक चीज काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है लेवलर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने किसानों को लेवलर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा अपने ट्रैक्टर के साथ, जिससे कि वो जमीन को एकदम सीधा कर देते हैं। तो ऐसा ही ये एक अटैचमेंट रहेगा, जिसका इस्तेमाल भी जमीन को लेवलिंग के लिए किया जा सकता है, जो कि देखने में एक बॉक्स जैसा लगता है। इसे आप ट्रैक्टर के पीछे की तरफ अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बड़ी ही आसानी से जमीन को लेवल किया जाता है। तो दोस्तों, ये गैजेट खास तौर पर बनाया गया है हमारे फार्मर्स के लिए, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, वर्मीर बेल हॉक। बड़े बड़े फॉर्म्स में बेलिंग का काम किया जाता है, जिसमें कि सूखे हुए पेड़ों या फिर घास के मोटे मोटे गट्ठर बनाए जाते हैं। ये गट्ठर गोल होते हैं और एकदम ऐसे होते हैं जिन्हें कि ट्रक पर लोड करके आप कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन इन गट्ठर को भी कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं होता, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरीके का ऑटोमेटिक बेल कलेक्टर होता है, जिसमें कि एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं। ये पूरी फील्ड में बेल्स को सेंस कर लेता है और एक एक करके सबको कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। जहां पर भी आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे गट्ठर एक जगह को दिखाई दे, तो ये कुछ ही समय में आपका काम आसानी से कर सकता है। इसके एडवांस सेंसर्स इसे खास बनाते हैं, जिससे कि बार बार इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार फील्ड सिलेक्ट करने के बाद ये अब अपने काम को आसानी से कर पाएगा। नंबर 2, फ्लोटिंग ब्रेक वाटर्स। अगर किसी भी जगह पर पानी के बहाव को रोकना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सिस्टम को, जो कि पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है पानी को बांध के रखने के लिए, जिससे कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस किया जा सके। इसे रिवर्स, पॉन्ड्स या फिर ओशन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से, जो कि पानी के बहाव को कुछ हद तक रोक सकता है। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल हार्बर बनाने या फिर फिशिंग के लिए भी किया जा सकेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। नंबर 1, बोइंग X-48। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो काफी सारा फ्यूल कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनी को अच्छा खासा पैसा अपने एयरक्राफ्ट के फ्यूल में खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी एयर टिकट भी महंगी होती जाती है समय के साथ साथ। लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बोइंग ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जो कि काफी हद तक फ्यूल एफिशिएंट तो है ही, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है एक साथ, और इसका इंजन भी काफी कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन खास तौर पर एक फिश से इंस्पायर्ड रहती है, जिससे कि इसका विंग
लोडिंग बेस काफी ज्यादा होगा, जिससे कि ड्रैग फोर्स कम से कम और लिफ्ट काफी ज्यादा होती है और ये आसानी से फ्लाई कर पाता है। तो ये फ्यूल एफिशिएंट प्लेन बहुत जल्द आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि सस्ती फ्लाइट टिकट में आप भी उड़ान भर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी नए नए गैजेट्स रोज के रोज देखने को मिलते रहें। और किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।